तो अब हम लोग जा रहे हैं सास बहु मंदिर, और ये पूरा जो किला है ना, ये पूरे किले में ही बहुत कुछ है, मतलब जो यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है गेस्ट हाउस टाइप में। और अभी गुरुद्वारा साइड जा रहे हैं हम लोग। तो ये लेफ्ट रास्ता जा रहा है, देखो तो यहाँ पर भी कुछ बना है, ये अंग्रेजों द्वारा सब कुछ बना हुआ था। तो ये रास्ता जा रहा है, ये राइट साइड में गुरुद्वारा पे चले जाएगा, और हम लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है सास बहु मंदिर, वो देखते हैं। चलो तो ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और इधर बाइक पार्क करते हैं। तो इधर बाइक पार्क कर दी है, और सामने दिख रहा है सास बहु का मंदिर। यहाँ पे पता नहीं शायद टिकट विकेट लेंगे। चलिए पहले ये फर्स्ट वाले मंदिर के अंदर चलते हैं। तो मंदिर तो काफ़ी विशाल रूप में बना हुआ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। और अभी तो मेरे अलावा कोई नहीं यहाँ पर, मैं अकेला ही हूँ। हमने मंदिर में एंट्री करी है, और बहुत ही विशाल रूप से मंदिर बना हुआ है, और बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत देखो मतलब कितनी छोटी छोटी कारीगरी करी हुई है। और ये जो इनकी जो मूर्तियाँ टूटी वगैरह है ना, ये सब मुगलों के शासन के द्वारा है। जब मुगलों का शासन था उस टाइम पे ये मूर्तियों वगैरह सारी तोड़ दी गई थी। यहाँ की नहीं, सभी किलों की, सभी मंदिरों की, जो उस टाइम के मंदिर थे उनकी। और आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, देख सकते हो इतनी बारीकी से काम है सारा। इधर साइड भी अभी मूर्ति वगैरह नहीं है, सिर्फ मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो मूर्ति वगैरह है ये मुगलों के शासन के द्वारा टूटी गई है, तब ये सब खजुराहो में भी जितनी मूर्ति है सारी तोड़ी गई है। और अभी अंदर तो कुछ भी नहीं, खाली है। तो बस यही था ये मंदिर। अब हम इसके जो आगे है वहाँ उस मंदिर पे चलते हैं। तो ये अभी जस्ट देखा ये वाला मंदिर, और इसके जस्ट अपोजिट में ये मंदिर है। तो चलिए इसका भी व्यू देखते हैं। यहाँ पर आके ना सच में एक सुकून मिल रहा है। तो हवा चल रही है, जैसे नीचे बहुत गर्मी थी, और ये थोड़ी ऊंचाई पे तो यहाँ पे हवा वगैरह बहुत अच्छी चल रही है। इसके जस्ट सामने का व्यू देखो आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ तो ये छोटा वाला जो मंदिर है बहू का, वो सास का, और ये बहू का। तो इसके अंदर भी साफ सफाई चल रही है अभी, अभी काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। साफ सफाई चल रही है यहाँ पर। थैंक यू भैया, भैया आपको थैंक यू, थैंक यू। अरे ये यहाँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए ये था, अब थोड़ा सा सिटी का व्यू ले लेते हैं यहाँ से। ग्वालियर किले का एक बार मैं लास्ट व्यू बता देता हूँ सारा, और अब बताता हूँ मैं कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ।
कहा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ये वाला, और जैसे उन्होंने भैया ने स्टोरी सुनाई थी ना ये वही वाला है। और जहाँ अब मैं जा रहा हूँ वो है ये चीज, कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से। ये पूरा महल है, ये सिंधिया पैलेस है पूरा है। तो चलिए वहीं जाके उसकी ब्यूटी देखते हैं। तो अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है सिटी पैलेस, और वो है जब सिंधिया पैलेस वो भी बोलते हैं उसको, तब बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने फोटोज़ में देखा है, यहाँ से उसका व्यू दिख रहा है पूरा। तो अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वहीं का आएगा एक। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, और कैसा लगा आपको ग्वालियर का फोर्ट, ग्वालियर का किला, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं ये सारी जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। और बस अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा वो सिंधिया पैलेस का, सिटी पैलेस। तो बस वहीं चलते हैं, और इस व्लॉग में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।